बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्तिका फातिमा है, तुम देख रहे हो मरवा फैमिली ब्लॉग। तो मैं तुम अपने चैनल मरवा फैमिली ब्लॉग तो खुश आमदीद कहनी है। ऐसे नाल अज ब्लॉग कर दिया जी शुरू। तो अगर तक हाले तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। तो जिस तरह के थंबनेल तो तुम देख चुके हो कि नाम नहीं रहा, हर समय लग गई जी चोट, हर समय लगी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, अल्लाह माफ़ करे उन्हों। वैसे हूँ उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह खैर करे उन्हों। नोट आगे लगे जी, मैं तुम्हें अगर वीडियो क्लिप दिखानी है, बस शरारता करते करते चोट लगवा ली है। तो दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी जल्दी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, अल्लाह पाक तुम्हें भी सब सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अच्छा जी, हर्ज को लग गई है चोट, इसे एमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना पड़ा है। वैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे स्टिच लगेंगे, इसे पहले कुछ खिलाएं पिलाएं। तो घबरा क्यों रहा है मेरा बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फैन ऑन करूँ यहाँ का हैं, कुछ भी नहीं हुआ। सारा पी ले, सारा पी ले। ये ना इसके यहाँ पे ना बहुत बुरे तरीके से ना इतना ज़्यादा कट लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहे हैं स्टिच ही लगेंगे। अच्छा भी मैं इन्हों लैके घर आ गई, मैं आके इन्हें कपड़े शपड़े चेंज करवाए जे, तो एन की पट्टी हुई जे, हूँ इन्हें मेडिसिन खवाई, कपड़े शपड़े तो चेंज करवाए जे, तो इन्हें मैं लटाता जे। मैं तू तो लेट जा, नौ टांके लगे जे, बैठे बैठे मजाक करते करते ने चोट लगवा। अज जी ईद का दूसरा दिन है जिसका कि तुम्हें पता है, तो सानू अज मुर्गा नहीं, यानी कि गोश्त नहीं मिले, चिकन लैन भेजा उमर सारे, यानी कि फीड आया कितने भी नहीं मिले। तो यह हो लगा जी हूँ हारिश का मुर्गा जी, हारिश ने मुर्गे रखे ने, हारिश के दिल में भी कुछ हो रहा, सट भी लगी है, फिर भी कह रहा ना करो ना करो। तो यार हर जब सुबह से ना मुर्गे तो नज़र है कि मेहमान आ रहे, चलो भी इन करो जिबा। जिस तरह के तुम देख रहे थे कि हारिश को चोट लग गई, उस तो बाद हारिश जैसे मुर्गा वगैरह जिबा किया, यानी कि साढ़े मेहमान आ गए थे। मेहमान तुम्हें फिर पता है हर फैमिली का अपना अपना होंगे, साढ़े कुछ मेहमान ऐसे आ गए जिन्होंने आने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो एक मेहमान ऐसा जो मेरा वीडियो चाहता है, मैं तनखा नहीं है वाला बच्चा, बच्चा ए रिहान आ गया, रिहान के पापा नाल भाई दूसरे कजन वगैरह सब सी। तो फिर मैं वीडियो नहीं उन्होंने सामने शूट की, यानी कि बनाई खाना शाना बनाया, वह हूँ गए ने चाय शाय पी के फारिग हो गए हैं। तो मैं तुम दिखानी हूँ रिहान की घर, रिहान रिहान अपने घर जा, अपने घर जाने जा, अपने घर मेहंदी पई सी, रमजान कह रहा मैंने मेहंदी लगाओ है, रह पे ने अज है वो जरा योमे ससुराल डे ने, मामा तो है वो मना रहे ने हैं ना, ने पापा ने चले गए रह पे हम जा, रिहान का मुँह नजर आने दे नान, वे नान ये तो देखी सब ईद मुबारक कह दे, ईद बारे कह रहे सारे को ईद ऐसे कर दे, ऐसे कर दे देख ना, ईद बारे कर, चलो हाँ हाँ नानू ईद बारे करो, हाँ नानू हाँ बफी पा के ईद बारे कर दो, मेहंदी ला दी इन्होंने, दो महीने कितने लाई है इन्होंने, वे इन्होंने मेहंदी ला दी। उम्मीद है कि अभी तुम छोटी जी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक तो शेयर कर दो, चैनल सबसक्राइब कर दो। फिर जी नाल नाल मैं तुम्हें दस देवा, यकीन करो ज़्यादा तो ज़्यादा व्यूज़ दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कराया करो, साड़ी बहुत बहुत मेहरबानी होएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फैमिली मेरे व्यूज़ बढ़ा बधाओ। तो अल्लाह हाफिज़।